हरे कृष्ण मित्रों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे शादी में आ रही रुकावट या देरी या फिर परेशानी का आपकी जन्म कुंडली से किस प्रकार का संबंध है, और जो शादी करने जा रहे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, पेरेंट्स हो जो अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं, उनके बहुत सारे दर्शकों के ऐसे प्रश्न आए हैं कि शादी में सब चीज़ें ठीक होती है, मान लो उनको जो भी जिससे शादी करने जाते हैं दूसरे पक्ष की सारी चीज़ें उनको पसंद आ जाती है और हमारी चीज़ें भी उनको पसंद आ जाती है, उसके बावजूद भी शादी में रुकावट आ रही है और पता ही नहीं चलता कि अचानक सब चीज़ें कैसे बिगड़ जाती हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर ऐसे कौन से ग्रह, नक्षत्र, ग्रहों की दृष्टि, दशा और गोचर जो कि आपकी शादी के अंदर रुकावट पैदा करता है। दूसरी बात यह है कि यदि कोई ग्रह रुकावट डाल रहा है तो उसकी रेमेडी क्या होगी। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। मैं आपको शादी में आ रही रुकावट की रेमेडी इसमें बताने जा रहा हूं। दोस्तों, शादी के लिए जब भी हम कुंडली का मिलान करते हैं तो सेवंथ हाउस जन्म कुंडली का प्रिंसिपल हाउस होता है शादी के। इसके जो सपोर्टिंग हाउस होते हैं जन्म कुंडली के अंदर, सेकंड हाउस और इलेवंथ हाउस। तो यदि सेवंथ हाउस में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, इसका स्वामी जो है शुभ ग्रह है, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, मित्र ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो शादी के योग बनते हैं। और समय आने पर यानी कि जब महादशा, अंतरदशा, गोचर का संयोग होगा सेवंथ हाउस, सेकंड हाउस और इलेवंथ हाउस से, जब उनका कॉम्बिनेशन बनेगा तो शादी हो जाएगी। इसके विपरीत यदि सेवंथ हाउस का कोई ग्रह अशुभ ग्रह है जन्म कुंडली के अनुसार, या फिर इसमें कोई अशुभ ग्रह बैठा हुआ है, या फिर शनि, राहु, केतु जैसा कोई प्लेनेट बैठा है और सेवंथ हाउस का कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस और इलेवंथ हाउस से हो जाए, तो शादी के अंदर रुकावट आएगी, देरी होगी और कोई ना कोई अड़चन आने वाली है। इसके साथ साथ यदि सेकेंड हाउस में कोई अशुभ ग्रह है, क्योंकि तो सेकेंड हाउस जो होता है वो फैमिली को एक्सपेंड करने का होता है, घर के अंदर मेंबर्स के बढ़ने का होता है, यदि वहां पर भी कोई अशुभ ग्रह बैठा हुआ है तब भी शादी में रुकावट आती है और घर के अंदर जो फैमिली मेंबर्स हैं उसके बढ़ने में देरी होती है। अब बात करते हैं कि यदि सेवंथ हाउस के अंदर शुभ ग्रह तो बैठा हुआ है लेकिन उसके ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, जैसे कि शनि की दृष्टि उसके ऊपर आ जाए, सेवंथ हाउस के ऊपर आ जाए, राहु की दृष्टि आ जाए, केतु की दृष्टि आ जाए, तब शादी में रुकावट आती है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है जन्म कुंडली के अंदर कि जिन ग्रहों की वजह से शादी होनी चाहिए, जो शादी के कारक है, सेवंथ हाउस, सेकंड हाउस और इलेवंथ हाउस, यदि इनका संबंध छठे घर से हो जाए, आठवें घर से हो जाए, बारहवें घर से हो जाए,
तो भी शादी में रुकावट आती है। तीसरी जो कंडीशन बनती है वो ये बनती है कि जो शादी के ग्रह हैं उनकी दशा अंतरदशा पंतरदशा या फिर गोचर ही ना मिले, तब भी शादी में देरी आती है और रुकावट आती है। तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन जन्म कुंडली में बनते हैं जिसकी वजह से शादी में रुकावट आ जाती है। अब हम बात करते हैं कि जन्म कुंडली में आई हुई इन अड़चनों को कैसे दूर किया जाए। आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर सेवंथ हाउस का जो भी प्लैनेट है उस ग्रह की पॉजिटिविटी के लिए आपको उपाय करना चाहिए, रेमेडी करनी चाहिए। सेवंथ हाउस को एक्टिवेट करें, सेवंथ हाउस के प्लैनेट को एक्टिवेट करें और उसके जो सपोर्टिंग हाउसेज हैं सेकेंड हाउस और इलेवंथ हाउस, उन घरों को भी एक्टिवेट करें। अब एक्टिवेट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो कि मैं हमेशा बताता हूं। वो है कि आप उस पर्टिकुलर ग्रह को स्ट्रोंग करें, उस तरह के आप कलर्स का ज्यादा यूज करें, आप उस तरह का सेवंथ हाउस का सेकेंड हाउस का और इलेवंथ हाउस का जिस भी वजह से अड़चन आ रही है वो एक आप एक अपनी कुंडली को पहले जांच लें और उसके बाद इन ग्रहों के आप स्टोन्स पहन सकते हैं। उन ग्रहों से संबंधित कलर्स का ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ के अंदर प्रयोग कर सकते हैं, चाहे उसको पहनने के अंदर हो, चाहे आपके घर ऑफिस के अंदर उन कलर्स को आप कराएं दीवारों पर। और उस ग्रह के जो और भी चीजें हैं जैसे बढ़ सकती हैं आप, मैंने जैसे कि मंत्र आप कर सकते हैं, ऐसा करने से वो पर्टिकुलर जो प्लैनेट है सेवंथ हाउस का वो एक्टिवेट हो जाएगा। और ऐसा होने से आपकी शादी में आ रही अड़चन जो देरी बन रही है उसमें आपको काफी लाभ मिलेगा और आपकी शादी के योग बन जाए। ये उपाय बहुत सरल है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं और शादी में आ रही अड़चन को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी जब बच्चा पैदा होता है वहां से लेकर अंतिम समय तक तरह तरह के समय अनुसार उम्र के अनुसार परिस्थितियों के अनुसार समस्याएं आती रहती हैं। हमने अपने चैनल पर उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए वीडियोस बनाए हैं और आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उन वीडियोस को वहां पर जाकर देख सकते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और अन्य मित्रों को भी शेयर करें। आज के लिए केवल इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा।